हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के विषय में। देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्या है। फ्रेंड्स रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पास करी और इसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर भी फोकस किया गया। एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की गवर्नमेंट की बेहतरीन कोशिश रही है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है क्या। दोस्तों इसे हम फाउंडेशनल एजुकेशन या फिर आंगनवाड़ी एजुकेशन या प्री प्राइमरी एजुकेशन भी कहते हैं। ये बच्चे के जन्म से लेकर 8 साल तक चलती है, लेकिन एक बच्चा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन 3 साल से लेना शुरू करता है। इसमें जनरली 5 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, जिसमें प्ले स्कूल, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास तक होती है। अब हम समझते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। दोस्तों ये एक ऐसा फेज़ होता है जब एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। इस फेज़ में बच्चा मेंटली, इमोशनली, सोशली ग्रो करता है। फ्रेंड्स एक्सपर्ट तो ये कहते हैं कि बच्चे का दिमाग इस स्टेज में 85% तक ग्रो कर जाता है। फ्रेंड्स ये एक ऐसी फेज़ है जहाँ पर बच्चे की हैबिट फॉर्मेशन होती है और बच्चा डिसिप्लिन फॉर्म में आता है। लेकिन इसी एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे चैलेंजेस हैं जिन्हें आज इंडिया फेस कर रहा है। दोस्तों ये एजुकेशन प्ले स्कूल में, आंगनवाड़ी में दी जाती है, इसलिए इनका स्ट्रक्चर आज इंडिया में बेहतर नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को इन स्कूलों में सुधार करने की ज़रूरत है। दोस्तों अब समझते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऐसे कौन कौन से प्रोविजनल लाए गए हैं। इस फेज़ में बच्चे को खेलकर, गाना गाकर या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट के द्वारा सिखाया जाता है। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक प्रोविज़न है मदर टंग का, यानी बच्चा इस फेज़ में अपनी मातृभाषा में सीखेगा, जो लैंग्वेज उसके घर में बोली जाती है। इससे फ़ायदा यह होगा कि बच्चे लर्निंग पावर इंक्रीज़ होगी और बच्चा आसानी से कैच करेगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंडिया में इम्प्रूव हो, क्योंकि इसी से ही बच्चे का फ्यूचर जुड़ा हुआ होता है। थैंक यू।